और फिर क्या हालचाल है सबके, वेलकम बैक टू रिव्यूज़ विद रूपम। जवान डे बाय डे नए नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है, पिछले रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है, लेकिन एक रिकॉर्ड है जो गदर टू ने अभी रिसेंटली बनाया था कि वो 6 दिन तक 30 करोड़ के नीचे गई ही नहीं थी। इससे पहले 5 दिन तक पठान और सुल्तान थे, लेकिन क्या जवान ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्योंकि जो उसके मंडे के एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं ना, उसमें चीज़ें थोड़ी सी डावाडोल सी लगती दिख रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जवान से। जवान ने अपने संडे वाले दिन 80 करोड़ की कलेक्शन की है। इसमें से हिंदी का देखा जाए तो 72 करोड़ है और बाकी तमिल और तेलुगु में है। हिंदी में इसकी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, लेकिन अगर तमिल तेलुगु में भी इसकी कलेक्शन थोड़ी और अच्छी हो जाती, जैसे 20 करोड़ 30 करोड़ के आसपास होती, तो इस मूवी के जो रिकॉर्ड होते अलग ही होते। क्योंकि बाहुबली 2 हो गई, KGF हो गई, RRR हो गई, ये सब मूवीज़ ने साउथ में बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई की है। हिंदी में भी की है, लेकिन साउथ में भी अच्छी की है, तब इनके बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बने। लेकिन जवान बोलते हैं ना कि सिर्फ हिंदी के सहारे ही सब रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रही है। वहीं अगर गदर 2 की बात करें कि क्या लोग अभी भी जवान के बाद उसको चूज़ कर रहे हैं देखने के लिए, तो देखो इसका आंसर आप हाँ भी कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं। क्योंकि उसकी कलेक्शन में डिक्लाइन तो आया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको देखने जा रहे हैं। उसकी संडे की कलेक्शन की बात की जाए तो 1.60 करोड़ के आसपास की कलेक्शन निकल के आ रही है। वो टोटल में 514 करोड़ पहुंच गई है और अब सिर्फ 10 करोड़ का, बोलते हैं ना कि एक फासला है पठान के हिंदी रिकॉर्ड में और गदर 2 के। पठान का रिकॉर्ड है 524 करोड़ का, लेकिन क्या गदर 2 उसको तोड़ पाएगी या फिर उससे पहले जवान ही 200 करोड़ कमा के उस रिकॉर्ड को तोड़ देगी और गदर 2 को वो मौका ही नहीं देगी, इसके बारे में बात करते रहेंगे। और अगर देखा जाए कि जवान के मंडे की कलेक्शन कैसी निकल के आ रही है, क्योंकि मंडे बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर मंडे की कलेक्शन अच्छी खासी निकल आती है किसी भी मूवी की, क्योंकि वर्किंग डे है, ज़्यादातर लोग दिन में देखने नहीं जाते, लेकिन फिर भी लोग अगर देखने जा रहे हैं और उसकी अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उस मूवी का लंबा चलना काफ़ी हद तक तय हो जाता है। तो जवान के जो मंडे के एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं वो 30 करोड़ के निकल के आ रहे हैं, लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी डाउन जाती है इस एस्टिमेट से, तो ये गदर 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। वहीं अगर ये इस चीज़ को 30 करोड़ से ऊपर ले जाती है, तो शायद हो सकता है ये ऐसी एक लौती मूवी बन जाए जो 7 दिन या फिर 8 दिन तक इस मार्क के नीचे ना जा पाए, इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।